हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सब लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। बहुत उम्मीद करते हैं आपके लिए यह नवरात्रे बहुत शुभ रहे। सो नवरात्रों में गाड़ियां बिकने का काम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ i20 फेस लिफ्ट, जो अभी नई लॉन्च हुई है 2023 में। तो उसका ये स्पोर्ट्स वेरियंट है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है। ये सेकेंड टॉप वेरियंट आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स। एक्चुअली क्या होता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, क्या होता है बेसिक प्लस लग्जरी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट रहने वाला है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसकी की से। आप देख सकते हैं इसमें की मिलने वाली है, यहाँ पे आपको फ्लिप वाली की मिलेगी और सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिलने वाली है। इसमें आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर या स्मार्ट की नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको आप छोड़ दीजिए तो फ्रंट से आप देखेंगे यहाँ पे हिंडई का लोगो मिलने वाला है, सैटिन ग्रे कलर में मिलेगा ये आपको। और नीचे जो इसकी ग्रिल मिलने वाली है, ये बिल्कुल न्यू ग्रिल इसकी मिलने वाली है, ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में यह ग्रिल मिलने वाली है। डिजाइनिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लाइट्स के नीचे तक ये डिजाइनिंग मिलने वाली है आपको ग्लॉसी ब्लैक में। और ये थोड़ी बहुत कंपनी से की तरफ से चेंज की गई है, लाइट्स इसकी डाउनफॉल की नीचे की तरफ की गई हैं। ये DRL जिसमें जो आपको टॉप वेरिएंट में ऊपर की तरफ मिलते थे, वो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलने वाले हैं। साथ में मिलने वाले हैं एयर कर्टन्स इसमें, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला पोर्शन सारा आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है, और जो स्किड प्लेट है इसकी वो भी आपको पियानो फिनिश में मिलने वाली है। और साथ में इसके नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर कलर में मिलेगी, या आपको कॉम्बिनेशन में मिलती है। ग्लॉसी ब्लैक जो इसका एलिमेंट्स हैं इसके बहुत अच्छे लगते हैं। एयर इनटेक के लिए जो ग्रिल मिलती है वो भी आपको पियानो फिनिश में मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी लुक के लिए स्पोर्टी लुक आती है फ्रंट से इसकी। बोनट पे आप देख सकते हैं इसकी जो करेक्टरिस्टिक लाइन है वो भी बहुत अच्छी लुक देती है, स्पोर्टी लुक इसमें आपको सभी वेरियंट्स में मिलने वाली है। तो अब आ जाते हैं इसकी हेडलाइट्स पे। तो हेडलाइट आपको इसमें मिलने वाली है इस वेरिएंट में हेलोजन बल्ब में। हेलोजन बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, DRL आपको नीचे मिल जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, फोग लैंप्स इस वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं, एन लाइन में आते हैं, बट i20 के किसी वेरिएंट में नहीं आते हैं, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि DRL की लाइट काफ़ी रहने वाली है, और जो लाइट्स है इसकी नीचे की तरफ कर दी हैं, तो फोग लैंप की इसमें ज़रूरत नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन आपको वही मिलने वाला है इसमें, कापा इंजन जो ह्युंडई का पहले से आता है, 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको ये मिलेगा। टर्बो नहीं आता है इसमें, एन लाइन में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको टर्बो मिल जाएगा। तो इसकी पावर की बात करें तो 83 bhp की पावर मिलती है, और टॉर्क मिलता है आपको 150 Nm का। तो ऊपर आपको इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है, पेट्रोल गाड़ी है तो कवरेज इसमें नहीं आती है, कवर नहीं किया हुआ इंजन को। तो बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन है वैसे ये। और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 15 किलोमीटर्स पर लीटर की, आपको सिटी में मिल जाएगी। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको 17-18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाती है। तो अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक बहुत अच्छी, रोड प्रेजेंस आपको मिलने वाली है। और अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है 167 Nm की, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और नीचे आप क्लैडिंग देख सकते हैं इसकी, आप वो भी आपको मिलेगी पियानो फिनिश में, ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। तो अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो टायर्स आप इसके देख सकते हैं, सीएट के टायर्स कंपनी इसमें ऑफर करती है, और इसमें बहुत अच्छी टायर प्रोफाइल भी आ रही है, 195, 55R और 16 इंच के आपको यहाँ पर स्टाइलिश व्हील कैप्स मिलने वाले हैं। एक्चुअली ये व्हील कैप्स हैं, ये अलॉय व्हील्स नहीं है, बट आपको फील देने वाली है बिल्कुल ये अलॉय व्हील्स की। तो ये किसी ब्रांड में या किसी कार में आपको ऐसे नहीं मिलते हैं, तो डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इस वेरिएंट की, क्योंकि मैं तभी बता रहा हूँ कि ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। तो ORVMs की बात करें तो ये आपको वेलकम फीचर के साथ मिल जाते हैं, जब आप लॉक करते हैं गाड़ी तो ये अनलॉक मतलब फोल्ड हो जाते हैं ऑटो फोल्ड, और जब अनलॉक करते हैं तो अनफोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर LED में मिलने वाला है, और यहाँ पे जो ए पिलर है इसका बॉडी कलर मिलेगा, सेंटर पिलर आपको टेप आउट में मिलने वाला है, और डोर हैंडल की बात करें तो ये भी आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्रोम गार्निश मिलने वाली है, टिल आपको क्वार्टर पैनल तक जाएगी, ये क्वार्टर पैनल में आपको ग्लास मिलने वाला है,
तो ये भी एक बहुत अच्छी लुक देता है। तो यहाँ पे क्वार्टर पैनल के साथ यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट मिलने वाले हैं, ये भी ग्लॉसी ब्लैक में मिलेंगे, ये भी स्पोर्टी लुक को एनहांस करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है, ये बॉडी कलर में मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉप लैंप मिलने वाला है, स्पॉयलर इस वेरियंट में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको रियर डिफोगर्स मिल जाते हैं, बट वाइपर इस वेरियंट में नहीं मिलता है। तो डिफोगर्स आ रहे हैं, ये भी बहुत सफिशेंट है इस वेरिएंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब कह सकते हैं आप, वैल्यू फॉर मनी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आप लास्ट में रियलाइज करेंगे कि वाकई ही ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट मिल जाएगा, और सैटिन ग्रे में यहाँ पे लोगो मिलने वाला है, यहीं पे आपको ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट में, और नीचे की तरफ आपको क्रोम एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टेल लाइट्स की। तो टेल लाइट्स आपको एलईडी में मिलने वाली हैं प्रॉपर, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट है जो वो मिलने वाली है हेलोजन बल्ब में। तो ये लाइट्स आपको कनेक्टिंग लाइट्स की फील देने वाली हैं। एक्चुअल में ये सेंटर में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बट ये कनेक्टिंग टेल लाइट्स की फील फिर भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरियंट की बैजिंग मिल जाएगी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे मिलने वाली है i20 की बैजिंग। ये आपको सैटन ग्रे में ही सब कुछ मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं इसके रियर बम्पर पे। तो रियर बम्पर अगर इसका आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा आपको बम्पर ऊपर की तरफ से ये वाइट में मिलेगा आपको, पर नीचे आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा। एक्चुअल में ये है 3-टोन बम्पर है, ऊपर से वाइट है, सेंटर से ये ब्लैक है, और नीचे से ये सिल्वर आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, आपको इसमें 2 ही पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं, बोथ साइड पे काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, और एयर कर्टन्स पीछे इन्होंने बनाए हुए हैं, मतलब ये एग्जॉस्ट की फीलिंग कह लो या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इसका बम्पर रहने वाला है। तो इसका जो टेल गेट है वो भी इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है, अभी गाड़ी अनलॉक है, यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं, बटन से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो गाड़ी को करता हूँ अनलॉक, तो ऐसे कुछ इस तरह से इसका बूट खुल जाता है। तो बूट स्पेस इसमें 311 लीटर की मिलने वाली है, 311 लीटर की बूट की लाइट इसमें नहीं, इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पार्सल ट्रे मिलने वाली है, ये भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक में मिलने वाली है, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो बाकी आप देख सकते हैं, इसमें स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिलने वाला है, ये स्टील रिम में मिलेगा आपको, प्रॉपर स्टील रिम जो आता है। तो ये 15 इंच में मिलने वाला है, और जो इसके टायर्स हैं वो 16 इंच के मिलते हैं। तो ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का मिलने वाला है यहाँ पे। तो अगर इसके फ्यूल लिड की बात कर लें, तो फ्यूल लिड, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की, वो है 37 लीटर्स की, और जो इसका फ्यूल लिड है अंदर से आपको ओपन नहीं करना पड़ता है, सिंपली अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये फ्यूल लिड ओपन हो जाता है इस तरह से। तो ये प्रीमियम फीचर्स जो अभी कंपनी ऐड करने शुरू कर दिए हैं इन गाड़ियों में भी, क्योंकि ये एक हैचबैक है, छोटे सेगमेंट की गाड़ी है, फिर भी इसमें फीचर्स प्रीमियम वाले मिलने वाले हैं आपको। अब बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ इसका फ्रंट डोर। तो फ्रंट डोर पैड आपको मैं दिखाने वाला हूँ सबसे पहले। तो इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलने वाला है, ब्लैक और लाइट ग्रे कलर आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डोर ओपनर है ये, जो आपको ग्लॉसी डार्क ग्रे में मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ग्लास अप डाउन के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे आप ORVM कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीकर। तो टोटल इस गाड़ी में स्पीकर्स मिलने वाले हैं आपको 6, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज आपको मिल जाएगी। तो अगर सीट्स की बात करें तो इसका सीट्स एक बार देख लेते हैं। तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कंपनी ने इसमें डाल दी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, ये पहले भी आता था और अब भी आ रहा है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको इसका स्टेयरिंग व्हील। लेदर रैप्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टॉप मॉडल में आता है, आपको सबको पता है। तो ये डी कट में कर दिया, जैसे क्रेटा का आता था। तो इस डी कट का करने का फायदा क्या होता है, जब गाड़ी के आप अंदर बैठते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ से आप नहीं टकराता है आपके नीज से। ये काफ़ी एक अच्छा फीचर होता है, क्योंकि ये सभी गाड़ियों में आजकल आने लग गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर एलिमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे,
और बात करें सैटर्न ग्रे में ही आपको यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो मिलने वाला है, तो स्टेयरिंग की ग्रिप काफी अच्छी मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग के कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का फीचर मिलेगा, मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारी, यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीफोनिक कंट्रोल्स। तो राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं क्रूज कंट्रोल, और यहाँ से आप MID में चेंज कर सकते हैं व्यू वगैरह। तो अब कर लेते हैं इसका इग्निशन ऑन, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या इसमें आपको वेलकम लाइट्स मिलने वाली हैं कुछ इस तरह की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही अच्छा लगता है, ये सभी वेरियंट्स में तो नहीं, स्पोर्ट्स और आस्था में आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको 12 इंच अप्रॉक्सीमेटली ये मिलने वाला है, प्रॉपर तो मेरे को नहीं पता, मैंने अंदाजे से ही बोल दिया। तो ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, DRLs तो ऑन हो ही जाते हैं जब आप गाड़ी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आपको वाइपर की टॉगल मिलने वाली है। तो अब आ जाते हैं इसकी टच स्क्रीन पे, तो 8 इंच की आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो IRVM आपको मैनुअल मिलेगा इसमें, और हजार लाइट का बटन कुछ इस तरह से मिलने वाला है। AC वेंट्स की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, काफी अच्छी लुक दे रही है, ये बहुत अच्छी लगती है। जब आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है तो गाड़ी आपको काफी स्पेशियस लगती भी है, और एक्चुअल में ये गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस है भी। तो अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, मैं भूल गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे। तो इस वेरिएंट में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, और काफी अच्छी प्रीमियम लुक देता है ये, प्रीमियम गाड़ी की फील देता है ये। तो कुछ इस तरह से आप इस एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो AC को कर देते हैं ऑफ, बैटरी डाउन हो जाएगी नहीं तो। ये वाली स्टोरेज स्पेस यहाँ पे काफी अच्छी कर दी है, काफी बड़ी कर दी है। टॉप वेरियंट में यहाँ पे वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस वेरियंट में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, बट आप इसको आफ्टर मार्केट या एक्सेसरी के तौर से लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, सी टाइप का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएगा, और गियर नॉब इसकी कुछ सिंपल मिलने वाली है, सिंपल एंड सोबर, ये आपको स्टाइलिश नहीं मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं 5 स्पीड आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, पहले इसमें 6 स्पीड आता था, बट अब आपको मैनुअल में 5 स्पीड मिल रहा है। तो और जो इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इस फीचर से आप रियर का कैमरा चलती गाड़ी में भी ऑन कर सकते हैं, जो कि एक सेफ्टी एज ए सेफ्टी फीचर ऐड हुआ है। तो 40+ सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो राइट साइड पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ, जो आप रेड लाइट वगैरह पे गाड़ी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मिलने वाला है हेडलाइट लेवलर। तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलने वाला है इस वेरिएंट में, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड करके आगे पीछे नहीं होता है जैसे टॉप वेरिएंट में होता है। तो पावर ब्रेक आपको मैनुअल मिलने वाली है। ऊपर की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको सनग्लास होल्डर, तो यहाँ पे मिल जाएगी कैबिन लाइट, और इस साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिलने वाला है विदाउट एनी लाइट, इस लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। तो बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का, काफी स्पेशियस भी लग रहा है और काफी अच्छी फील भी आने वाली है। तो अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स पे, और मैं बता दूं यहाँ पे जो जरूरी चीज है, आजकल लोग कमेंट करके बोल देते हैं कि आपने बताया नहीं, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं बैक सीट पे, तो रियर डोर पैड की बात करेंगे अब। तो देख सकते हैं आप इसका रियर डोर पैड, ये भी आपको ड्यूल टोन में ही मिलने वाला है, बट यहाँ पे आपको ग्रे एलिमेंट्स ज्यादा मिलने वाले हैं, मतलब ग्रे कलर ज्यादा मिलने वाला है। तो ये चीज आपको ब्लैक में मिल जाएगी, हार्ड प्लास्टिक ही मिलने वाला है, कहीं सॉफ्ट लेदर ना समझाना। तो यहाँ पे डोर हैंडल जो इसका ओपन करने के लिए मिलता है, ये डार्क ग्रे में मिलेगा, ग्लॉसी में मिलेगा, और यहाँ पे नीचे स्पीकर प्लेस किया गया है, और यहाँ पे बोतल होल्डर और कुछ स्टोरेज यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्पेस आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस गाड़ी में हैचबैक होने के बावजूद भी काफी अच्छी स्पेस मिलने वाली है। तो जो अभी इनका एक इन्होंने चेंज किया है, वो किया है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट में पहले यहाँ पे जो हेड रेस्ट आते थे वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते थे, उसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते थे उसकी। तो यहाँ पे आपको जो अब 2 मिलने वाले हैं हेड रेस्ट, वो मिलने वाले हैं फिक्स। तो सेंटर में यहाँ पे आर्म रेस्ट भी नहीं आता है, वो भी कंपनी ने बंद कर दिया, पहले स्पोर्ट्स ऑप्शनल में आता था तो वो वेरिएंट ही बंद कर दिया कंपनी ने। तो पीछे की तरफ यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल रहे हैं आपको,
और नीचे आपको मिल रहा है, आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे फोन रखने के लिए कुछ स्टोरेज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिल रही है कैबिन लाइट और बैक से आप व्यू देख सकते हैं फ्रंट का, काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम लुक दे रही है गाड़ी। तो पीछे की तरफ आपको मिल जाएगी एक पार्सल ट्रे। और अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो हेडरूम मेरे को लगता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग ही गया होगा कि हेडरूम भी काफी अच्छा इसमें मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस की। तो ये भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा लेग स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मेरी हाइट है 6 फीट के करीब, तो फिर भी आपको काफी अच्छा नी रूम, लेग रूम मिल रहा है। तो ये हैचबैक बहुत अच्छी स्पेशियस गाड़ी है। तो बूट आपको मैंने अभी इसका दिखा दिया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस वगैरह की। तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो रहने वाला है 8,32,900 रुपीज, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और बहुत ही ज्यादा आपको इसमें फीचर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाले आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा फीचर है जो आप सोच सकते हो कि आपको टॉप वेरिएंट लेना चाहिए। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट रहा है शुरू से i20 से, और अब भी इसका वही सेम अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी है। तो अब अगर बात करें, अगर आपने बहुत अच्छी डील चाहिए आपको इस गाड़ी की, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको बहुत अच्छी डील चाहिए तो आप बर्कले ह्युंडई चंडीगढ़ में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे आपको सिमरनजीत, जो इनके योर कार एडवाइजर के नाम से जिनका चैनल है, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छी डील चाहिए तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना हमारे चैनल को, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू सो मच।